सो हेलो नमस्कार दोस्तों, फेसबुक रील्स में फॉलो ऑप्शन कैसे लाया जाता है या फेसबुक रील में फॉलो बटन कैसे लाया जाता है, तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करें। दोस्तों हमने इस पे पहले ही वीडियो बना चुका था, लेकिन लगता है वो वीडियो पुराने हो चुकी है, लेकिन वो वीडियो पुराने नहीं हुई। कुछ लोगों का कहना है कि ये आप फेक वीडियो बनाते हो, लेकिन मैं आज आप लोग को वही काम करके इस वीडियो में भी दिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसमें हमने अपना रील्स यहाँ पर अपलोड किया हूँ। अगर मैं इस रील्स को अपने किसी दूसरे अकाउंट में ओपन करूंगा तो यहाँ पर फॉलो ऑप्शन दिखेगा, जैसे मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं रील्स में फॉलो का ऑप्शन लगाकर आप लोग को दिखा दूंगा। जैसे यहाँ पर आप लोग मैं दे सकते हैं, मैंने यहाँ पर सर्च करता हूँ, जैसे मैं पंकज साहन इफेक्ट यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ अपना अकाउंट पंकज साहन इफेक्ट। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा नीचे जो आ रहा है, अभी आप लोग देख सकते हैं ये हमारा रियल अकाउंट है, और वो एक पेज जो सबसे ऊपर आ रहा है वो मेरा पेज है। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये एक मेरा रियल अकाउंट है। अब मैंने यहाँ पर अपना रील्स अपलोड किया हूँ, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने रील्स वाले ऑप्शन पर गया। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं किसी भी रील्स का अगर यहाँ पर मैं ओपन करूँगा तो वहाँ पर वो सभी यहाँ पर फॉलो का ऑप्शन दिखेगा। जैसे मैं आप लोग को दिखाता हूँ, इसको देख लीजिए। दोस्तों स्कूल में ये लड़की अचानक उल्टियाँ करने लगती है, फिर एक लड़का आकर उसकी मदद करता है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वीडियो में भी यहाँ पर फॉलो का ऑप्शन दिख रहे हैं, और इस वीडियो में भी आप लोग को फॉलो का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर फॉलो का ऑप्शन आप लोग को देखने को मिल रहा है। दोस्तों इस तरह से फॉलो का ऑप्शन लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं दिखाता हूँ। और मैं एक और अकाउंट यहाँ पर दिखाता हूँ, जैसे मेरा एक दूसरा अकाउंट चलता है, जैसे मैं इसको डायरेक्टली बाहर आ गया और मैं दूसरे अकाउंट पर चलता हूँ। अब मैं दूसरे अकाउंट पर चलता हूँ, जैसे मैं अपना यहाँ पर इसमें फॉलो का ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग देख सकते हैं। मैं यहाँ पर उसको ओपन करता हूँ, उसी अकाउंट को मैं यहाँ पर सर्च करके आप लोग को दिखाऊँगा। यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर आप लोग को दिखाना चाहता हूँ, पंकज साहनी, जैसे आप लोग को देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर पंकज साहनी पर मैं सर्च किया हूँ, तो जैसे मैंने यहाँ पर पंकज साहनी पर मैंने सर्च कर दिया, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे अकाउंट आए, लेकिन मेरा जो रियल अकाउंट है वो ये वाला है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नीचे ये मेरा अकाउंट है। मैं इसके अभी रील्स वाले ऑप्शन पर चलता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर रील्स यहाँ पर अपलोड किया हूँ, तो यहाँ पर सिर्फ दो ही रील्स मैं यहाँ पर अपलोड किया हूँ। तो आप लोग लाइव प्रूफ के साथ आप लोग देखना, यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर फॉलो का ऑप्शन नहीं आ रहा है। मैंने कुछ वीडियो वैसे इसमें डाला था कि यहाँ पर फॉलो का ऑप्शन नहीं दिखा रहा था, आप लोग को यहाँ पर फॉलो का ऑप्शन दिखाने के लिए मैं यहाँ से बैक आता हूँ और मैं फिर से इसी के अकाउंट पे मैं चलता हूँ। मैं दूसरे अकाउंट से इसी अकाउंट पर चलता हूँ, जैसे मेरा इस वाले में भी लॉगिन है वो अकाउंट, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सेम वही डी पी भी है वो यहाँ पर, जैसे मैं आप लोग को दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सेम वही प्रोफाइल है, और यहाँ से रील्स वाले ऑप्शन में जाओगे तो भी यहाँ पर वही दोनों रील्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अब मैं यहाँ से बैक आता हूँ और फॉलो का ऑप्शन आप लोग को लगाकर दिखाता हूँ। आपको राइट साइड में थ्री लाइन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक सेटिंग देखने को मिलेगा, सेटिंग एंड प्राइवेसी की, और यहाँ से एक और सेटिंग आप लोग को देखने को मिलेगा, सेटिंग वाला ऑप्शन पर क्लिक करना। तो यहाँ पर अगर आप लोग के फ़ोन में कुछ इस तरह से दिख रहा है तो आप लोग इस तरह से कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से डायरेक्टली बैक आएँ और यहाँ से फिर से वही थ्री लाइन पर जाएँ, और यहाँ से आपको मोर वाला ऑप्शन पर देख कर क्लिक कर आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पर आप लोग को फिर से वही सेटिंग में आना जाना है। अब यहाँ पर एक सेटिंग और देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस सेटिंग वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप लोग को सबसे पहले नीचे की तरफ आपको सेलेक्ट करके जाना है, और यहाँ पर आप लोग को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग देखिए फ्लोर्स एंड पब्लिक कंटेंट, आपको इस पर क्लिक करना है, जिसमें इस पर क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सभी का यहाँ पर पब्लिक करना होता है, जैसे कि यहाँ पर मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। आप लोग देख सकते हैं अभी यहाँ पर केवल फ्रेंड लगा हुआ है, अभी पब्लिक नहीं लगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ऊपर टैप करूँगा तो यहाँ पर पब्लिक पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर सभी का यहाँ पर पब्लिक कर देना, जो भी यहाँ पर जैसे ये भी है इसको पब्लिक करना है, जैसे यहाँ पर फ्रेंड और फ्रेंड यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर फ्रेंड वाले पर यहाँ पर भी पब्लिक कर देना है, और यहाँ पर एनी वन पर आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पर एवरी वन पर आपको क्लिक कर देना है कि दुनिया में आपका कोई भी वीडियो देख सकता है। और सभी सब जैसे यहाँ पर ये भी एक पब्लिक है, इसको पब्लिक करना है और इसको पब्लिक करना है, इन सभी जितने भी यहाँ पर पब्लिक का ऑप्शन दिख रहा है आपको सभी का सभी यहाँ पर पब्लिक कर देना है। तो यहाँ पर पब्लिक करने के बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है। तो क्या करना है कि आपका यहाँ पर सेटिंग हो चुका है, और कुछ लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि जैसे यहाँ से बैक आ जाते हैं और यहाँ से खुद का रील्स में ही, अभी मैं आप लोग को दिखाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर इस रील्स वाले ऑप्शन में आ गया
और यहाँ से मैं इसी रील्स को यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई फॉलो ऑप्शन, कोई भी फॉलो का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ये यहाँ पर क्या करना है कि मुझे अपना रील्स नहीं देखना है, आपको खुद के फ़ोन में रील्स नहीं, अगर आपको खुद के फ़ोन में रील्स देखना है तो यहाँ से बैक आ जाना है। जैसे मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ, अब मैं यहाँ से डायरेक्टली बैक आ जाता हूँ और मैं यहाँ से दूसरे अपने फेसबुक अकाउंट में चलता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर दूसरे फेसबुक अकाउंट में चलता हूँ और मैं एक अकाउंट में और जाकर आप लोग को दिखाऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पर पहले सर्च किया था तो मेरा ये भी अकाउंट है, यही इसी अकाउंट पर मैंने उसको सर्च किया था और आप लोग को दिखाया था। यहाँ पर मैं रील्स वाले ऑप्शन पर चलता हूँ और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं सेम वही रील्स आ चुका है। अब इस रील्स वाले पर मैं फिर से क्लिक करता हूँ और देखता हूँ फॉलो ऑप्शन आता है कि नहीं आता। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि फॉलो का ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है। तो दोस्तों अगर आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों अब मैं यहाँ से क्या करूँगा कि फिर से अगर मुझे अपने ही फ़ोन में यहाँ पर देखना है तो मैं यहाँ से थोड़ा सा बैक आ जाऊँगा। जैसे यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ और मैं इस अकाउंट को यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ। जैसे मेरा पास यहाँ पर मेरे पास अभी बहुत अकाउंट है तो मैं यहाँ पर आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर थ्रेडर पर जाता हूँ और यहाँ से मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ। लॉग आउट करने के बाद यहाँ पर मैं किसी भी अपने दूसरे भी यहाँ पर अकाउंट पर लॉग इन हो जाता हूँ। मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो जैसे मेरा दूसरा अकाउंट है सेम उसी के वही वाला डीपी लगा हुआ है, लेकिन ये मेरा दूसरा अकाउंट है, आप लोग देख सकते हैं। मैं इसके अभी प्रोफाइल पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं इसको अभी रील्स में इस पर पोस्ट ही नहीं किया हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने इसे रील्स इस पर रील्स ही नहीं पोस्ट किया हूँ, इस पर कोई रील्स नहीं है। अगर इस पर मुझे देखना है उसको तो उसको यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं उसको सर्च कर लूँगा। जैसे मैं यहाँ पर इसको सर्च किया हूँ पहले से, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने नीचे की तरफ गया और यहाँ पर रील्स वाले ऑप्शन पर आया और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सेम वही रील्स आ चुका है। और मैं इस अकाउंट में देखूँगा तो भी यहाँ पर रील्स ऑप्शन आ जाएगा। अगर मुझे इसको हटाना है तो दोस्तों वही से वही काम करूँगा जिसे यहाँ से मैं दे रहा हूँ। अगर इस रील्स वाले ऑप्शन को हटाना चाहता हूँ, अगर इसको हटाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस दूसरा वाला फेसबुक अकाउंट मेरा अकाउंट जो जिसमें मैंने अभी इसको ओपन किया हूँ फॉलो बटन को, इसको मैं यहाँ पर ओपन कर लूँगा। तो यहाँ पर ओपन करने के बाद आपको थ्री लाइन्स पर फिर से यहाँ पर जाना है और यहाँ से फिर से वही सेटिंग एंड प्राइवेसी पर क्लिक करना है और दूसरे वाले सेटिंग में आपको चले जाना है। जैसे यहाँ पर नीचे एक सेटिंग देखने को मिलेगा आपको इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सेम वही फिर से प्रोसेस करना है, फॉलोअर्स एंड पब्लिक कंटेंट आपको इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं तो दोस्तों यहाँ से अगर आप यहाँ सभी से फ्रेंड कर देंगे तो यहाँ पर वो फॉलो का ऑप्शन हट जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं सिर्फ दो ही को हटाया हूँ और मैं फिर से दूसरे अकाउंट पर चलता हूँ और देखता हूँ यहाँ पर फॉलो का ऑप्शन हटा कि नहीं हटा। अगर आपका नहीं हटेगा तो आप सभी के सभी यहाँ पर पब्लिक को यहाँ पर अनपब्लिक कर देना, फ्रेंड लगा देना तो यहाँ पर हट जाएगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर फॉलो ऑप्शन हट चुका है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।